Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are on the topic noise pollution. Now noise pollution kya hota hai? Bachpan mein yaar bahut baar humne 5th 6th class mein bhi types of pollution padha hai. Usme humne ek noise pollution bhi padha hai. So uske bare mein kya hota hai? Noise pollution can hai. So noise pollution can be defined as the presence of undesirable and unpleasant sounds in the अर्थ एनवायरनमेंट. सो जब बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट साउंड एक साथ इकट्ठी होके, जैसे मैंने आपको बताया बड़ी सारी चीजें होती है, इंडस्ट्री से आवाजें आ रही हैं, लाउड स्पीकर्स लगे हुए, ट्रैफिक का शोर हो रहा है, सो ये सब एक साथ मिलके नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. ठीक है, सो अनप्लीजेंट या अनडिजायरेबल साउंड प्रेजेंट जो होती है एक साथ मिलके अर्थ के एनवायरमेंट में, इट कॉजेज नॉइज पॉल्यूशन. ठीक है, human beings can bear sound ranging up to 85 dB only. Above that, any noise can damage our hearing power. अब जो हम maximum range आवाज सुन सकते हैं, that is 85 dB. इतने तक हम लोग सुन सकते हैं, इससे ज्यादा जब हम सुनते हैं तो हमारे ear damage होने के chances होते हैं. Now, generally any sound that has a frequency of more than 30 dB is considered नॉइज. और 30 dB से ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी भी होती है उसको हम नॉइज का नाम देते हैं. बेशक वो म्यूजिक तेज चल रहा है, बेशक वो ट्रैफिक का शोर है, बेशक वो इंडस्ट्रीज से आ रहा है, बेशक वो अपने घर पे स्पीकर से तेज चला रखे हैं, 30 dB से ऊपर कोई भी फ्रीक्वेंसी वाला साउंड है वो हमारा नॉइज कंसिडर होगा. नाउ द अनवॉन्टेड नॉइज कॉजेज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ. अब हमें ये बहुत छोटी सी चीज रहती है, ठीक है ना, बज रहे हैं तेज जाने कोई बात नहीं, शोर हो रहा है बाहर कोई बात नहीं, बट एक्चुअल में कोई भी अनवांटेड नॉइज इट कैन कॉज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन आर हेल्थ. हम रियलाइज नहीं करते बट ये नॉइज पॉल्यूशन हमारी हेल्थ को भी एडवर्सली इफेक्ट करता है. सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द मैक्सिमम साउंड लिमिट दैट इज आइडियल फॉर सिटीज इज 45 dB ओनली. तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है कि मैक्सिमम जो साउंड लिमिट होनी चाहिए जो आइडियल है सिटीज के लिए, दैट शुड बी 45 dB. बट यू विल बी शॉक्ड कि बट इन एक्चुअल क्या होता है. हाउएवर इट इज फाउंड दैट द साउंड रेंज इन मेनी बिग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड लाइज अप टू 90 dB. मतलब टोटल देख लो उसका डबल है, 45 आइडियल है और होता 90 dB तक है. तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन कॉज होता है. सो हेंस नॉइज पॉल्यूशन इज कॉमन इन मेनी सिटीज टूडे एंड इवन रूरल एरियाज टू अ ग्रेट एक्सटेंट. सो नॉइज पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया और इतना कॉमन है कि हम सोचते हैं इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. ठीक है तो है, हमने उसके साथ एडजस्ट होना सीख लिया, बट इट इज नॉट राइट. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट है हमारे पास, वॉट आर दी कॉजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन. अभी नॉइज पॉल्यूशन के कॉजेस क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे नॉइज पॉल्यूशन कॉज होता है. ट्रांसपोर्ट नॉइज, जैसे मैंने बताया व्हीकल्स वगैरह का, ट्रैफिक में खड़े हो जाओ मतलब बिना मतलब की हॉर्न 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 बजाए जाते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्ट नॉइज. देन इंडस्ट्रियल नॉइज, इंडस्ट्रीज में से इतना शोर आता है कभी कभी, वो कंसिडर होता है. नेबरहुड नॉइज, जैसे मान लो आपके नेबरहुड में कोई फंक्शन है, उन्होंने बड़े बड़े स्पीकर लगा रखे हैं, उस पर गाने चला रखे, दैट इज ऑल्सो अ नॉइज फॉर अदर्स. देन कंस्ट्रक्शन नॉइज, कंस्ट्रक्शन प्लेसेस पे बड़ी बड़ी मशीन चलती है वहां पे इतना नॉइज क्रिएट होता है. पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल रैलीज वगैरह जो चलते होते हैं, गाड़ियों में इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगा के उसमें भाषण देते हुए या बोलते हुए जा रहे होते, दैट इज क्रिएटिंग अ नॉइज ओनली. देन बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स एंड फायरवर्क, क्रैकर्स वगैरह का जो शोर होता है, दैट इज ऑल्सो नॉइज एंड इट एड्स टू द नॉइज पॉल्यूशन. देन नेचुरल साउंड, जब कुछ नेचुरल साउंड होते हैं, जैसे जब मौसम बिल्कुल खराब होता है, लाइटनिंग की, थंडर स्टॉर्म की, वॉल्केनिक इरप्शन, तो ये सब भी एक साउंड कॉज करते हैं. एंड अगेन दैट इज एन अननेसेसरी साउंड, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज नॉइज. तो वो नॉइज पॉल्यूशन का एक कॉज बनता है. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट नॉइज पॉल्यूशन एंड कॉजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन. अभी हम उसके मेजर्स टू कंट्रोल एंड ऑल्सो क्या हार्म्स है एक्चुअल में, अब हम पढ़ेंगे कि कितना हार्मफुल है जो हम इतनी आसानी से इग्नोर करते रहते. सो विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक बट इन द नेक्स्ट सेशन. सो आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टेक केयर एंड बाय बाय.